फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशन और के पॉइंट। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपके एग्जाम बहुत ही पास होने वाले हैं, तो आज मैं आपसे हिंदी का टेस्ट ले रही हूँ। किसका टेस्ट ले रही हूँ? हिंदी से, क्योंकि हिंदी से 15 से 20 नंबर या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आप गलत नहीं कर सकते हैं। तो मैं आज आपका टेस्ट ले रही हूँ। मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी, बट अभी नहीं करूँगी, क्योंकि देखती हूँ कि मुझे बस ये जानना है कि आपको आता कितना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट है और आपके लिए मात्र 3 सेकंड का टाइम होगा। आप 3 सेकंड में आंसर सोचोगे और करोगे। मैं टोटल 30 क्वेश्चन कराऊंगी, यानी कि 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में आपको जवाब देना है कि आपके कितने सही हुए। जितने सही होगे आप कमेंट में लिखोगे। अगर आपको 25+ मार्क्स आ रहे हैं, देन वेल एंड गुड। अगर 25 से कम है तो समझ लीजिए कि फिर तो भगवान मालिक है। तवर्ग का उच्चारण का स्थान क्या है? मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। चलिए, तो इसका आंसर है दंत, यानी कि तो। तो हम किससे बोलते हैं? तो दांतों से बोलते हैं, यानी कि दांत तो जो आपस में चिपकते हैं, इसलिए दंत से होते हैं। पवर का उच्चारण का क्या है? दंत, कंठ, ओष्ठ और मूर्धा। तो किससे है? तो ओष्ठ से है, यानी कि ओठों का प्रयोग हम करते हैं। चवर का उच्चारण तालु, ओष्ठ, कंठ, इनमें से कोई नहीं। चलिए आइए इसका आंसर देखते हैं। तो तालु से करते हैं चवर का। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। छ, त्र, ज्ञ, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन, उष्म व्यंजन, तवर्गीय व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों है संयुक्त व्यंजन, यानी कि एक साथ तीनों का जब हम यूज करते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है। अगर आप जानते होंगे तद्भव किसे कहते हैं, तत्सम किसे कहते हैं, देशज किसे कहते हैं, विदेशज किसे कहते हैं, तभी आप जान पाओगे। चलिए, आई होप कि आपको आंसर पता होगा। तो कौन सा है? तो इसमें तत्सम होगा। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होगा, तो आज मैं आपको कर देती हूँ। देखिए, तत्सम, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द जो अनेक ध्वनि के परिवर्तनों से गुजरती है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि आग, ऊंट, घोड़ा, कबूतर, कुम्हार, ये सब क्या है? तद्भव शब्द है जो अनेक ध्वनि से गुजरती है। इसको याद रखिएगा, अनेक ध्वनि होगी, अनेक, यहाँ पे तो मैं लिख नहीं सकती हूँ, इसलिए आप लोग सुन लीजिए। और देखिए, तत्सम किसे कहते हैं? यहाँ पे अब तत्सम का दूसरा बाड़ी है, तत्सम। तत्सम शब्द वो होते हैं जो जिसके ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि वो जैसे कि राजा होते हैं, बालक होते हैं, पुस्तक होते हैं, ये सब कोई ध्वनि में परिवर्तन हुआ? कुछ नहीं हुआ, इसलिए कहते हैं। और यहाँ पे देशज शब्द, देशज शब्द वो होता है जिनकी व्युत्पत्ति तत्सम शब्द से ही होती है। जैसे कि हिंदी में कुछ प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में कुछ देशज शब्द, भोंपू, तेंदुआ, ए टट्टू, फटफटिया, यानी जो देसी भाषा में बोले जाने वाली को हम देशज शब्द कहते हैं। और विदेशी शब्द मतलब कि विदेशी भाषा में बोले जाते हैं, जो दूसरी भाषा से आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो विदेशज शब्द कहते हैं। इसके लिए आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। जैसे कि अखबार, आदत, आखिर, अमीर, गरीब, ये सब क्या है? विदेशी भाषा है, यानी कि विदेशा शब्द कहते हैं। आई होप कि अब आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आग कौन सा शब्द है? चलिए अभी मैं बोली हूँ, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। चलिए, तो आग आपको पता होगा क्या है, तो तद्भव है। क्यों है तद्भव? क्योंकि अभी मैं बोली हूँ, जो अनेक शब्दों से, अनेक ध्वनियों से गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। ये सबसे छोटा सा पृथ्वी बताइए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, क्या है? चलिए जल्दी बताइए आप लोग। तो ये है तत्सम शब्द। क्यों? क्योंकि इसमें कोई पृथ्वी थोड़ी कोई अनेक भाषा से गुजरी, एक ही ध्वनि है इसमें, ज्यों का त्यों रहती है, इसमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए। टेबल
टेबुल कौन सा शब्द है? देशज है, तद्भव है, विदेशज है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, टेबुल क्या है? विदेशज है। क्यों? टेबल यहाँ की भाषा नहीं है। नाक कौन सा शब्द है? यौगिक है, रूढ़ है, योग रूढ़ है, इनमें से कोई नहीं है। चलिए बताइए कौन सा शब्द है। पहले आप लोग जानते हैं कि यौगिक, रूढ़ और यौगिक होता क्या है? चलिए, मैं आपको तो ग्रामर में पढ़ाई नहीं हूँ, वरना मैं पढ़ाई देते। खैर, मैं आपको आंसर बता दूं तो ये रूढ़ शब्द है। नाक कौन सा शब्द है? तो ये शब्द रूढ़ है। तो चलिए हम क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। आपको मैं एक छोटा सा टास्क दे रही हूँ। आप अगर रूढ़ और यौगिक को जानते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे इन तीनों का डिफिनेशन। देखती हूँ कितने लोग जानते हैं यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। मैं इसलिए भी बोल रही हूँ कि जो बच्चे नहीं जानते वो बच्चे क्या है, कमेंट बॉक्स में पढ़ लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फूल कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, कौन सा है? तो फूल है जातिवाचक। कौन सा है? तो फूल जातिवाचक। ईमानदारी में कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं। हिंदी ग्रामर भी बहुत टफ होता है बच्चों, ये मत समझना कि बहुत आसान होता है। तो ईमानदारी में है भाववाचक, क्योंकि ईमानदारी को हम देख सक दे ना तो देख सकते ना छू सकते, बस फील कर सकते कि हाँ भाई आप ईमानदार हो, जैसे पढ़ाई के प्रति आप ईमानदार हो। लंबोदर में कौन सा शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, और ये सभी है। तो लंबोदर क्या है? योग रूढ़ है। देखिए, लंब हो जिसके उधर, तो उसे हम क्या कहते हैं? लंबोदर। तो इसके यानी कि दो शब्दों से जो मिलकर बनता है उसे मैं योग रूट कहती हूँ, रू रूट कहते हैं। देखिए, वैसे मैं आपको होमवर्क दी हूँ लेकिन फिर भी मैं बता दी हूँ, लेकिन फिर भी अभी मैं रूढ़ और योगिक दी हुई हूँ आपको, होमवर्क में वो करना जरूर है। सोना कौन सा संज्ञा है? भाववाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है। तो सोना द्रव्यवाचक है, ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि द्रव्य है। मैं कौन सा पुरुष हूँ? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो मैं है उत्तम पुरुष, यानी कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष ही कहते हैं। चलिए, 15 क्वेश्चन हो गए। और 15 क्वेश्चन, आप कौन सा सर्वान है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। तो निश्चयवाचक है। पुष्प में कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो पुष्प में तत्सम शब्द है। ख्याल कौन सा शब्द है? विदेशज, देशज, तद्भव। तो ख्याल है विदेशज। क्या ख्याल है आपका? ये डायलॉग है तो ये विदेशी से है, हम लोग की नहीं है। तेंदुआ कौन सा शब्द है? देशज है, विदेशज है, तत्सम है, इनमें से कोई नहीं। तो तेंदुआ है देशज शब्द। कौन सा शब्द है? तो देशज शब्द है। गोल विशेषण, गोल कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण, परिणाम, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो गुणवाचक है। कोई विशेषण है परिणामवाचक, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो है सर्वनामिक विशेषण। तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, इनमें से कोई नहीं। तो ये है वर्तमान काल। नाक में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ए बी है, इनमें से कोई नहीं। तो स्त्रीलिंग है। समास कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो ये होते हैं टोटल 6 प्रकार के। नवयुवक में कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, द्वंद है, द्विगु है। तो कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है नवयुवक में, यानी कि जो कर्म करता है। प्रतिदिन कौन सा समास है? बहुव्रीहि है, द्वंद है, अव्ययी भाव है, द्विगु है। तो ये है अव्ययी भाव समास। देशभक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद, द्विगु। तो ये है तत्पुरुष समास। नीलकंठ में कौन सा समास है?
तो नीलकंठ में है बहुव्रीहि समास, कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। पाप पुण्य कौन सा समास है? दिगु है, अव्यवी भाव है, द्वंद है, इनमें से कोई नहीं, तो द्वंद समास है। दोपहर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि समास है, दिगु समास है, तो दिगु समास है। टोटल आपके 30 क्वेश्चंस हो गए, मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। चलिए दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी और इसका आपको आंसर कल के वीडियो में मिलेगा, क्योंकि ये लास्ट एक वीडियो आएगी बस हिंदी की, वो 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक, विधिवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक। ओह यह पिट ही गया, कौन सा वाक्य है? विधिवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे और साथ साथ मुझे ये भी बताओ कि आपके कितने नंबर आए 30 में से। अगर आपके जितने अच्छे नंबर आते हैं तो फिर भगवान करे आपका सिलेक्शन हो गया, मेरी दुआ हमेशा आपके साथ रहेगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं, आई होप कि आज के लिए आपका दिन मंगलमय होगा।